जो भी मेरे ब्रदर सिस्टर आईएलटीएस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, मैंने रिकमेंड करती हूँ कि आप बेबी कोड एप्लीकेशन जरूर प्रेफर करें, बिकॉज ये बेस्ट एंड चीपेस्ट एप्लीकेशन है जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैंने भी की है। मैंने अपने स्कोरिंग्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाई है, और आप भी इसे प्रेफर करेंगे तो आपकी इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। थैंक यू। बेबी कोड एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और मैं तो बड़े साफ शब्दों में ये बात बोलने वाला हूँ कि आज के टाइम में अगर आप अपना आयल्स क्रैक करना चाहते हो तो बिना बेबी कोड के ये पॉसिबल नहीं है। और आज का जो स्पीकिंग हम यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं, तो मेरी जो सिस्टर है महक है, तो इसने भी बेबी कोड के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है और रिजल्ट आपके सामने होगा। और हम शुरू करते हैं आज का आयल्स स्पीकिंग। हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपको बताऊं, मेरे को ना आजकल कलर्स थोड़ा सा चेंज करने में अच्छा लगता है। मतलब आप बोलोगे कि रमन भाई बात क्या कर रहा है, कलर की क्या बात कर रहा है। मेरे ना पीछे कुछ लगा हुआ है, शायद वो सिल्वर में है। हाँ, ये गोल्ड है। इस गोल्ड की इतनी खुशी नहीं है जितनी ये वाली ट्रॉफी ना थोड़े बड़े साइज में जब गोल्ड में आएगी, तो आप बहुत समझदार हो। तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। जब चैनल होगा सब्सक्राइब, होगे 1 मिलियन, तो ये सिल्वर के साथ एक दूसरी ट्रॉफी लगेगी जिसको हम बोलते हैं गोल्ड प्ले बटन, और उसी के लिए दिन रात एक किया हुआ है। मैं जितने भी मेरे भाई बहन मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊं पढ़ाऊं, ताकि आप अपना घर बैठे, चाहे अपना आप किसी भी इंस्टीट्यूट में मत जाओ, मेरे इंस्टीट्यूट में भी मत आओ, मेरे से ऑनलाइन ना पढ़ो, कुछ भी ना करो, आप जस्ट वीडियोस को देख देख के भी अगर पढ़ते हो तो भी आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मतलब क्या है कि रमन आईएलटीएस चैनल के ऊपर मैंने A to Z, मतलब सब कुछ जो आईएलटीएस में आता है, सारी की सारी वीडियोज मैंने वहां पर डाली हुई है। तो आज एक नई वीडियो, मतलब क्या है IELTS का स्पीकिंग, और आज का वीडियो एक तहलका मचाने वाला वीडियो होगा। मतलब आज आप फील करोगे कि रमन सर ऐसे भी कोई स्पीकिंग देता है। आज आप ऐसा होगा कि अच्छा ऐसे बैंड स्कोर कितने आएंगे। मतलब आज मैं आपको 6 और 7 बैंड वाली स्पीकिंग नहीं यहां पे परफॉर्म करवाने वाला। आज का जो स्पीकिंग होगा वो कम से कम 8 वाला, और मेरे को लगता है 8.5 वाला भी हो सकता है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और बहुत मजे से आज पढ़ने वाले हैं। मैं वीडियो के एंड में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। जो जो स्टूडेंट मिस्टेक करेगा आपने उसको भी लिखना है। तो देखते हैं कि आज किस तरीके से परफॉर्मेंस होने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बने। आज मेरी छोटी सिस्टर भी है मेरे यहाँ पे, इसने स्टडी भी की हुई है। तो देखते हैं कि आज ये कैसी परफॉर्मेंस करती है, और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए वेलकम करता ही है। तो हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स की, अच्छे होंगे बुरे होंगे हम स्वीकार करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखना, वो कलर चेंज कर रहे हैं, बस ये आपकी जिम्मेवारी है। सिल्वर से गोल्ड आएगा 1 मिलियन, तो आप वेट मत कीजिए किसी चीज की। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, घर बैठे कीजिए आयल्स बिल्कुल फ्री में। बात खत्म, तो शुरू करते हैं आज का आयल्स स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, व्हाट्स योर नेम? आई एम महकदीप कौर, आई एम फ्रॉम पटना सिटी डिस्ट्रिक्ट पटियाला, एंड इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। दैट साउंड्स बेटर। व्हाट्स योर एज? आई एम 21 इयर्स ओल्ड। ओके, आर यू एंजॉयिंग दिस पीरियड? Definitely, I'm very enjoying this period as I am enjoying this period as like a business woman. I'm doing a business that is very important for me. That sounds good. Are you business conscious person, huh? Definitely, I'm business conscious person. I want to be independent woman. Sounds very well. So today I'm going to conduct your IELTS speaking test, or it would take definitely 7 to 13 minutes in between this. We have 3 tasks, task 1, task 2 and task 3.
In task one, it's called an introductory pattern. I'll ask few questions related to your life. Or in task two, I'll ask one cue card. Or the same thing, the same pattern like the follow-up in the task three. If I'm going to let you know about the band score people, so in the task one, the examiner would definitely prefer you 2 band score, task two, 4 band score, or task three, 3 band score, means equal 9 band score. At the end of the video, मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन सी आपने mistakes नहीं करनी है, किस तरीके से आप अपना exam दोगे, तो definitely आपका band score बहुत अच्छा आएगा. तो मैं good luck बोलता हूँ आपको, तो definitely आप बहुत अच्छा perform कीजिए. That's it. So let's talk about our task one, or it's called the introductory pattern, or I'm going to ask the question about sunglasses. You comfortable? That's fine. Do you have a pair of sunglasses? Definitely, I have a pair of sunglasses. Recently, I bought it from Alante Mall, Chandigarh, and it was given by my father. Okay. How often do you wear them? Well, I have cat eyes and I cannot visit in the presence of sun, in the sun. That's why I have to wear sunglasses whenever I go out. Okay. Have you ever lost your sunglasses? Unfortunately, I lost my sunglasses when I went on vacations to the Shimla. Okay. Do people in your country wear sunglasses? Definitely in my country, some people wear sunglasses who face problem in the presence of sun, but some do not give preference to wear. Okay. Do you think that purchasing an expensive sunglasses is one of the good thing or not? According to me, it is not a good thing because it's just a wastage of money. If you want to use sunglasses, you can even prefer to the cheap glasses. Okay. Do you believe to purchase the sunglasses belong to a brand? No, I do not think so. But some people who prefer to do that, they have enough money to spend on that. So, like you earlier mentioned that you are a businesswoman, so you earn better money. So why don't you want to purchase a branded sunglasses? As I believe to save money, I do not want to spend my money on the cheapest things. Okay. So, have you ever gifted sunglasses to anyone? Definitely, I gave a gift to my father on his birthday. Okay. So, this is the end of our task one. और मेरे को एक mistake सबसे ज़्यादा जो लगी, that was the repetition of definitely. Means every question I was asking from you and you were replying definitely, definitely, definitely. So I suggest you to reply certainly, of course, surely, undoubtedly. Try to change. Do not do repetition. That's fine. So let's talk about our task two. This is a cue card. Describe a place you visited on vacation, and the bullet points are where it is, when you went there, what you did there, or why you went there. मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात बतानी चाहता हूँ. जैसे एग्जामिनर आपको एक क्यू कार्ड देता है और उसके साथ आपके टेबल पे एक वाइट शीट होती है और पेंसिल भी वहाँ पे होती है. ये इसका मतलब क्या है? आपने इसमें से मेन पॉइंट्स को लिखना है. ये आपको हेल्प करेंगे. कई बार ना हम बोलते बोलते तो भूल जाते हैं, तो ये हमारी हेल्प करेंगे. हेल्प किस चीज़ के लिए? आप पॉइंट्स लिख सकते हो. जैसे क्यू कार्ड बनाने में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाहता हूँ. जैसे इन्होंने बोला डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ऑन वोकेशन, कोई ऐसी जगह जिसको आप छुट्टियों में देखने जाते हो. तो पहला था वेयर इट इज, आपने जगह बतानी है. ये चंडीगढ़ हो सकता है, पटियाला हो सकता है, दिल्ली, बॉम्बे, कनाडा, कहीं पे भी, मतलब आपके दिमाग में एक जगह का नाम आ गया. व्हेन यू वेंट देयर, जब आपको ना व्हेन आता है तो आप इसको लास्ट ईयर बोल दो, बिफोर 6 मंथ बोल दो. अरे भाई एग्जामिनर आपसे प्रूफ थोड़ी मांगने लगा है कि भाई एयर टिकट दो, मतलब ये अच्छी बात है. तीसरा What you did there? जब आप वकेशन को एंजॉय करने जाते हो तो वहाँ पे क्या क्या चीजें करते हो? देखो फोटोज तो हम क्लिक करते ही करते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय तो करते ही करते हैं, मतलब जो भी आपने एक्टिविटीज डालनी है आप डाल सकते हो. और why you went there? आप वहाँ पे क्यों गए थे? आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, वो प्लेस मेरे को अच्छी लगती है, ब्ला 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 ब्ला. देखते हैं महक किसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और लास्ट पे ये भी देखेंगे कि महक ने किस तरीके से एक मिनट में इसको डिजाइन किया और क्या क्या लिखा. यू कंफर्टेबल? और this is your pencil or this is your cue card or I want that you make it or after that I will show on screen. That's okay. So jab tak ek minute mein cue card banta hai to main aapko ye batana chahta hu, Mehak is my favorite student, belong to baby code application. Baby code application ki help se Mehak aapke samne hai aur ye ek aisa student hai mera
जिसका इंग्लिश में इतना इम्प्रूवमेंट आया, इट बिलोंग्स टू बेबी कोड। मतलब क्या है, दिन रात इंग्लिश की प्रैक्टिस करना ये बेबी कोड पे ही पॉसिबल है। आपको जो आपके बैंड्स को रहते हैं आपको वहाँ पे पता चलते हैं, जो आपके गलत आंसर्स हैं आप उसको सही में भी बोल सकते हो, आपके पास कॉलिंग का ऑप्शन है, आप पूरा रिकॉर्ड रख सकते हो। मतलब एक एप्लीकेशन जिसका नाम है बेबी कोड, और अगर आप उसमें प्रोमो कोड मेरा यूज़ करते हो Raman0007, तो आपको अनलिमिटेड जितने मर्जी बार आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 बैंड से अपने आप को 7 बैंड तक लेके गए हैं। मतलब बेबी कोड का मतलब है एक पर्सनल आयल्स ट्रेनर जो आपकी एक एक गलती को निकालता है, आपको पॉलिश करता है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि हाँ रमन सर इंग्लिश को तो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्पल वालों के लिए भी है, एंड्रॉयड वालों के लिए भी है। डाउनलोड करो बेबी कोड और उसके बाद मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए। सब्सक्रिप्शन सबसे सस्ती है, 250 रुपए में 1 महीना जितने मर्जी बार स्पीकिंग दो। और उससे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, बेबी कोड पे हमने लिसनिंग के बहुत सारे टेस्ट डाले हुए हैं, और मेरी 2 वीडियो बेबी कोड पे ऐसी पड़ी हुई हैं अभी तक, रीडिंग की और राइटिंग की, जिसको हम बोलते हैं एक क्रैश कोर्स होता है, एग्जाम से पहले देखने वाली वीडियो वहां पे डाली हुई है, यूट्यूब पे नहीं है। तो Do not waste your time, देरी मत कीजिए। अगर आप अपना IELTS को क्लियर करना चाहते हो, आप पूरे डेडिकेटेड हो ना, तो बेबी कोड को डाउनलोड करके और यूज़ कीजिए Raman0007 और प्रैक्टिस कीजिए IELTS का, घर बैठे IELTS क्लियर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, दैट्स ओके, यू कंफर्टेबल, दैट्स फाइन। और मैं आपको अगर शो करूँ तो ये देखिए, इस तरीके से आप पॉइंट्स को लिख सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी पूरी लाइंस को नहीं लिखना, आपने जस्ट पॉइंट्स को लिखना है। और डेफिनेटली मैं आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप बहुत अच्छा बोलेंगे तो आपके सामने। और एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे भाई ये पेपर को देखना नहीं है, एग्जामिनर है ना जो, वो देखने नहीं देगा। अरे भाई अगर देखने नहीं देगा उसने दिया क्यों है, तो ये ऐसी बातें फैलानी नहीं चाहिए। मतलब मार्केट में ना नेगेटिविटी इतनी होती है ना, रमन सर पटियाला पेपर नहीं देना, वहां पे बैंड नहीं आते। अरे किसने बोला, वहां पे साउथ इंडियन होते हैं वो बैंड नहीं देते। अरे आईएल्स का जो एग्जामिनर होता है वो कोई भी बुरा नहीं होता, आपको बैंड मिलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जगह बदल के बैंड नहीं मिलेंगे। तो पॉजिटिविटी फैलाइए, बच्चों को हौसला दीजिए, बस बात खत्म। तो शुरू कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। Well, there are many times when I went on the vacations, but here I would like to talk about a time when I went to the Shimla. Last year, me and my family were having dinner in the dining room. We planned there that we are going to go on the vacations at the Shimla. We shared our views with each other, that every person gave every different opinion about the destination, but I asked my father, I want to go Shimla because I am an adventurous person and Shimla is the best place to do adventurous sports. After that, we went back to our rooms. After one month, we went to the Shimla. It took us 8 hours to reach there. When I reached there, I entered in the Seven Hills Hotel where we booked our rooms for the night. After entering there, I went to the reception and I asked them to give me the services for carrying my luggage to my room. I went to my room with the help of elevator. The most interesting fact about that hotel was when I entered in the room, it was very mesmerizing, that because the scenery they placed over the room was very different and very unique. I took rest for 1 hour there and I went to the dining room after 1 hour and I took my dinner there. Furthermore, the dinner was very delicious and the service was very good. Okay. Apart from this, when I came back to my room and I took rest in the early morning, I went to the paragliding site where I did paragliding. When I climbed to the mountain, I was quaking in my boots because I was very scared on that time. That was very dangerous site. When I started doing paragliding and I went to the sky, that was very amazing view when I saw downside from the paragliding. I came back to my hotel and it was very different experience and I was very over the moon, which make me the best, which provided me the best experience about that. That sounds really good. Exact 2 minutes. Thank you. That sounds really very good. Our examiner to bahut aapse khush hoga. That's okay. Aur ye aapka task 2 था और आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस।
जैसे टास्क वन में हमने डेफिनेटली देखा था ना, इसमें एक जगह पे था वी आर गोइंग, वहां पे वी वर गोइंग आया गया था, बस एक मिस्टेक थी, एक दो और होंगी बस बात खत्म, ठीक है। मगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एग्जामिनर यही आपसे एक्सपेक्ट करता है, चाहे साउथ इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, बैंड मिलेंगे परफॉर्मेंस के, जगह बदलने के बैंड नहीं होते। तो शुरू करते हैं टास्क थ्री, यू कंफर्टेबल? दैट्स फाइन। और एक बात याद रखना मेरे स्टूडेंट्स, जो भी आपको क्यू कार्ड पूछा जाएगा, टास्क थ्री के क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही होंगे। मान लीजिए जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा वोकेशन का क्वेश्चन था, तो टास्क थ्री के क्वेश्चन वोकेशंस को लेकर ही होंगे। मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन वोकेशन का था और मैं टास्क थ्री में पूछ रहा हूं चॉकलेट के बारे में, ऐसा नहीं होता। सो लेट्स टॉक अबाउट, आप इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना, ठीक है। व्हाट आर सम पॉपुलर अट्रैक्शंस दैट पीपल लाइक टू विजिट इन योर कंट्री? It is very interesting question for me. In my country, there are various destinations to visit that are very popular to visit. But according to me, Chandigarh, which is known as the city of beautiful, Jaipur, which is known as pink city, are the most popular attractions in my country. Even last year, I went there to do different activities. Do old people and young people like to go to different places for vacation? Well, in my opinion, it is definitely different about the choices of young and old people. They both give preference to different places, as young give preference to entertainment places like amusement parks and even fun parks. But according to me, old people prefer to visit some libraries and some historical places. What do old people and young people think about making up plans? Okay, whenever we think about the planning of visiting any destination, young people give preference to visit some entertainment places like amusements, as I mentioned earlier in the previous question. But according to me, the older people give more preference to visit the silent places which are much quiet for them and even comfortable. How do people get to know about new places? In this contemporary era, there are many various sites which helps people to find the new destinations. According to me, as like Make My Trip is the most popular site in my country, which helps people to know about the new places. That's really, really fine, and I enjoyed your speaking. That's great. तो बैंड स्कोर तो मैं नहीं देने वाला, बैंड स्कोर दोगे आप, और आपको कैसी लगी आज की स्पीकिंग ये तो भाई मैं आपसे पूछने ही वाला हूँ। तो this is the end of our IELTS speaking. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका बेबी कोड एप्लीकेशन के ऊपर क्या एक्सपीरियंस है, तो मतलब प्रैक्टिस करते हो, कितना टाइम करते हो और क्या चेंजेस आए आप में, कैन यू प्लीज शेयर योर व्यू हियर? Definitely, the Baby Code app helps me a lot as I do practice there in the mostly 2 to 3 hours, as it helps me to give the band scores even, and it also provided me scholarship due to the Raman sir, and I practice it on that application. Baby Code is the best application. I also recommend you to do practice. तो खुश हो आप यहाँ पे? So that's it. Thank you very much. Thanks a lot. Video चंगा लगे हो भी था, subscribe जरूर करियो तो share जरूर करियो। Love you. Comment ता डे पढ़ने दे लिए मैं वेट करूंगा, ते golden button ता डीजे में वारी है। Thank you so much.